CAA NCR के खिलाफ एक और बाग शाहीन बाग की तर्ज पर पटना में एक और बाग सब्जी बाग में लड़ाई शुरू हुई, फिर कहें तो आंदोलन हारून नगर पहुंचा और ये एक और बाग है, इसे बोलते हैं लाल बाग। लाल बाग में भी पिछले 12 दिनों से जो है लगातार जत्थेवार जो है लोग बैठे हुए हैं NRC के खिलाफ। और देखें ये पूरा मंजर जो है लाल बाग का वो हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ जो है जिस तरीके से मंच पर लगातार देखें नारेबाजी चल रही है CAA के खिलाफ। और एक और बात जो हम खास तौर पर दिखाना चाहेंगे वो ये कि शाहीन बाग में जिस तरीके से रोड को लेकर समस्या हुई तो लाल बाग ने इसका ध्यान रखा है, तो इसलिए ट्रैफिक की एक व्यवस्था है, ट्रैफिक आ जा रही है, लेकिन दोनों तरफ ट्रैफिक के लाल बाग के लोग जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं। और इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो कि रोज जो है खड़े होते हैं और इस तरीके से नारे भी लगाते हैं CAA के खिलाफ। और ये रात का मंजर है, शाम जैसे जैसे गहराती है लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है। क्या आप लोगों का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में है मामला, वैसे में आंदोलन फिर भी चलता रहेगा? आंदोलन तो तभी चलता था जिस टाइम क्विक इंडिया मूवमेंट जो 1942 से लेकर के जिसमें आज़ादी हमको 5 साल बाद मिली, तो ये अभी तो 4 हफ्ते की बात है। और हम ये सिर्फ सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि ये जनता की आवाज़ को सुनिए और समझिए, तानाशाही जो है वो उसका हश्र क्या हुआ वो भी आपके सामने है। तो हम लोग यही चाहते हैं और तमाम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोगों को हक मिले और हम लोग को बांटने की जो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जो सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है उसको कृपया कर करके बंद करें। बांटने की राजनीति के खिलाफ ये पूरे तरीके से लोग जो बात करें, और ये देखिए किस तरीके से लोग जमे हुए हैं। खास बात ये है कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरतों को भेज दिया है लड़ाई में और मर्द हैं खुद ही बैठे रजाई में। लेकिन लाल बाग का ये मंजर देखिए और लाल बाग में सारे मर्द जो है वो निकल कर आए हैं, तो चाहे जिस समुदाय के हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हो या फिर जो है हिंदू समुदाय के लोग हों या फिर बुद्धिजीवी हों समाज के नागरिक हों, ये सारे जो मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में योगी की इस बात का कि मर्द छुपे हैं रजाई में और औरतों को भेज दिया लड़ाई में, उसका जवाब है ये लाल बाग। कहीं ना कहीं संदेशा देने की कोशिश है कि जो पूरा आंदोलन है देश में वो किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय का आंदोलन नहीं है, वो किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे देश में कहें तो, और पटना की बात करें तो एक बात सब्जी बाग की आती थी लेकिन अब पटना में एक और बाग सामने आ गया है CAA NRC। और जो संविधान बदलने की जो लड़ाई है इस लड़ाई के खिलाफ मैदान में, और इस लड़ाई में पुरुष हो, स्त्री हो, छात्र हो, युवा हो, हर तरह के लोग ने लाल बाग को सजा रखा है। पटना के लाल बाग से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नवेंद्र